स्वामी जी नमस्ते। मेरी आवाज पहुंच रही है ना सब तक? जी मैं शुरू करती हूँ। मंत्र संख्या 32। ओम ये न पावक चच्छसा भुरंतं जनान्ननु तं वरुण पश्यसि। मंत्रार्थ, पावक है पवित्रकारी, वरुण है वरुणीय, तुम येना जिस चच्छसा दृष्टि से भुरण्यंतम पालन पोषण करने वाले जनान लोगों को अनुकूल पश्यसि देखते हो। भावार्थ, जिस प्रकार वरुण अर्थात वरुणीय परमात्मा पवित्र दृष्टि से लोगों को देखता है, हमको भी उसी प्रकार पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। यह भी कहा गया है कि परमात्मा भुरण्यंतम अर्थात पालन पोषण करते हुए लोगों को इस प्रकार देखता है। इसका भाव यह है कि परमात्मा की पवित्र तथा पोषक पालक दृष्टि में रहने के लिए हमको भी लोगों का पालन पोषण करते रहना चाहिए। व्रत धातु के मुख्य अर्थ वरण करना, सेवा करना, नियोजित करना, आच्छादित करना है। वरुण अर्थात वरण करने वाले तथा वरुणीय परमात्मा में ये सभी गुण स्मरण किए गए हैं। धातुवाद निरुक्त, ये न सर्वनाम पावक को पवित्र करना, स्वच्छ करना, चच्छसा चच्छ स्पष्ट बोलना देखना, भुर्यंतम भुरण पालन पोषण करना, धारण करना, जनान जन उत्पन्न करना, उत्पन्न होना, अनुपसर्ग तम सर्वनाम, वरुण व्र वरण करना, पश्यसि पश देखना। ओम। यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 32। ओम येना पावक चक्षसः भुरण्यन्तं जनाननु त्वं वरुण पश्यसि। परमात्मा से ही स्तुति की गई है। ये ना तो सर्वनाम है जिससे स्पष्ट है, पावक पवित्र करने वाले, भू धातु है पवित्र करना, स्वच्छ करना, पावक अर्थात पवित्र करता, पवित्र करने वाले, वरुण वरणी द्वि धातु वरण करना, तो हे पवित्र करने वाले परमेश्वर, हे वरणे ये परमेश्वर, ये दोनों संबोधन है पावक और वरुण। ये ना पावक चक्षसा, हे पावक हे पवित्र करता, ये ना चक्षसा जिस दृष्टि से, देखिए ये ना भी तृतीया है, चक्षसा भी तृतीया है, एक वचन दोनों है, तो जिस दृष्टि से हे पावक हे पवित्र करता, जिस दृष्टि से भुरण्यन्तम पालन पोषण करते हुए, भुरण धातु है जिसका अर्थ पालन पोषण करना है, धारण करना है, तो पालन पोषण करते हुए और धारण करते हुए परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है और पालन पोषण भी करता है। कह रहे हैं हे पवित्र करता परमेश्वर, जिस दृष्टि से पालन पोषण करते हुए, धारण करते हुए जनान लोगों को, ये बहुवचन में है, अनुकूल, देखिए उपसर्ग है और जहां चरण के अंत में आया है पूर्ण विराम है, संस्कृत में ऐसा नहीं होता, वे शब्द से पूर्व आता है, जनान लोगों के अनुकूल, तुम वरुण पश्यसि, तुम वरुण हे वरुण हे वरुणी परमेश्वर, तुम पश्यसि तुम देखते हो। ये ना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनानं, हे पवित्र कर्ता परमेश्वर, जिस दृश्य से लोगों को अनुकूल धारण करते हुए, भरण पोषण करते हुए, तुम वरुण हे वरुणी परमेश्वर तुम देखते हो।
परमेश्वर की दृष्टि कैसी है, वो सबको धारण करता है, पालन पोषण करते हुए धारण करता है और पवित्र करता है। इस दृष्टि से वो सबको देखता है कि सबका धारण पालन पोषण रक्षण होता रहे, यही इस मंत्र का भाव है। छोटा सा उत्तम गायत्री मंत्र हम लोगों ने अभी प्रस्तुत किया। तो ये मंत्र तो एक प्रकार से हो भी गया है, तो कोमल क्या मन है, मंत्र के पाठ का अभ्यास करना चाहेंगे या अगला मंत्र लिया जाए, अब आप बताएं, क्योंकि एक नया विषय भी आप लोगों ने ले लिया है मंत्र पाठ के अभ्यास का। गुरु जी समय तो काफी है, तो अगला मंत्र ही ले लेते हैं। ठीक है, यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 33। ॐ दैव्यो अध्यर्यु आगतं रथेन सूर्य त्वचा मध्वायज्जं सम अञ्जाति तं प्रत्मथा अयं वेना चित्रं देवानां। दैव्यो दिव्य प्रकाशमान, अध्वर्यु अहिंसक, उपसर्ग है निषेध अर्थ में, ध्वर धातु का अर्थ हिंसा करना है, अध्वर्यु का अर्थ हुआ अहिंसक। दिव्य प्रकाशमान अहिंसक आगतम, आ गए, आ उपसर्ग है, गतम में गम धातु स्पष्ट है, आगतम आ गए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक उपसर्ग और लगा देते हैं, आ उपसर्ग तो है, गत गम जाना, आ उपसर्ग के साथ आना, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक उपसर्ग और लगेगा सु, तो क्या होगा, स्वागतम। स्वागतम शब्द इस समय बहुत प्रचलित है। अब देखिए ये आगतम में सु उपसर्ग और इसके पूर्व आ के पूर्व आ जाएगा, सु बन जाएगा। भाई इनका माइक बंद कर रहे हैं। दैव्यो अधर्यु आगतम, दिव्य अहिंसक आ गए, रथेन सूर्य त्वचा, रथेन रथ के द्वारा, सूर्य त्वचा सूर्य की त्वचा द्वारा, सूर्य का अर्थ है उत्पन्न करता, ऐश्वर्यवान प्रेरक, त्वचा का अर्थ है आच्छादन। तो अब इसका अर्थ देखिए, ऐश्वर्यवान सृजनशील प्रेरक आच्छादन के साथ रथ से आ गए दिव्य अहिंसक। जो दिव्य अहिंसक हैं, वे सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के आच्छादन के साथ रथ के द्वारा आ गए। ये सज्जनों के, दिव्यजनों के गुण लक्षण बताए जा रहे हैं, कि जो दिव्यजन हैं, सज्जन हैं, वे यही कहा जा रहा है, पहला गुण होता है दिव्य है, उनके अंदर कुछ दिव्यता विशेष गुण विशेष विद्या होनी चाहिए, अधर उन्हें अहिंसक होना चाहिए, सूर्य त्वचा सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के आच्छादन से युक्त रथ के द्वारा उनका आगमन होता है, उनके आने का साधन सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। मध्वा मधु द्वारा, तृतीया एक वचन यहां भी है, त्वचा में भी तृतीया एक वचन है, रथेन में भी तृतीया एक वचन है, मध्वा मधु द्वारा यज्ञम, यजन को, यजन हम लोग जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा संगत दान करना,
सम अंजाते, सम्यक अंजाते, अंज धातु का अर्थ स्वच्छ करना, प्रकाशित करना, ये दोनों अर्थ उसके होते हैं। अंज धातु में अजी अंज धातु का अर्थ स्वच्छ करना, प्रकाशित होना, तो अंजाते का अर्थ हुआ स्वच्छ करते हो, प्रकाशित करते हो, सम उपसर्ग सम्यक रूपेण भली भांति। तो ये अहिंसक दिग्विजन सूर्य त्वचा के रथ से आ गए, अब क्या कहते हैं, मध्वा मधुरता के साथ यजन को सम्यक रूपेण प्रकाशित करते हैं, स्वच्छ करते हैं। तम प्रयत्न था अयम देना, तम उसको प्रयत्न था, प्रयत्न करते हुए, ऐसा अर्थ भी आप कर सकते हैं। इसमें प्रथ धातु का अर्थ विस्तार होना, प्रसिद्ध होना है, प्रथमता का अर्थ प्रसिद्ध विस्तार से भी ग्रहण किया गया है, अधिकांश विद्वानों ने इसका यही अर्थ लिया है, अतः हमने भी इसे यहाँ स्वीकार किया है, प्रथ धातु से इसका यह अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। प्रथमता अयम बेना, अयम यह, और बेन धातु का अर्थ रक्षा करना भी है, और बेन धातु का अर्थ गति करना, समझना, जानना, स्मरण करना, विचार करना आदि भी है। तो हमने पहले भी चर्चा की है, जैसे दिव धातु है जिससे देव शब्द बनता है, अत्यंत उत्तम गुणों को समेटे हुए है, अनेक उत्तम गुण देव शब्द में है, दिव धातु में है, वैसे ही बेन धातु भी वेद में वैसा ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी देखिए रक्षण करना, उसमें पालन करना भी समाहित होता है, गति करना, समझना, जानना, स्मरण करना, विचार करना जैसे अर्थ उसमें समाहित है बेन धातु में। तो तम प्रथम था अयम बेना, यह बेन, यह विद्वान, प्रकाशमान, रक्षक, उसको प्रथम था प्रसिद्ध करता है, चित्रम देवानाम, उसको किसको, चित्रम देवानाम, देवों के चित्र को। विचार कीजिए, सामान्यता इस मंत्र को, इतनी सी बात को लोग लेकर अर्थ कर सकते हैं व्याकरण से तो ठीक है। तम प्रयत्न था अयम बेना चित्रम देवानाम, देवों के चित्र को यह बेन विद्वान प्रकाशमान रक्षक उसको प्रसिद्ध करता है। कह लीजिए कि जो बेन अर्थात विद्वान है, वे यह बेना यह विद्वान तम उस चित्रम देवानाम देवों के उस चित्र को प्रसिद्ध करता है। तो यहां देवों के चित्र की बात आ गई। यदि कोई इतने का इतना अर्थ करता है तो सहज लोक प्रतिनिधित्व भाव है, उस तरह से आप कह सकते हैं ठीक भी है, चित्रम का अर्थ चित्र, लेकिन हमने आपको बताया है वेद में चित्र धातु का अर्थ अद्भुत है, अद्भुत होना है, आश्चर्यजनक होना है, जैसे कि लोक में प्रचलित है, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि लोक में उपसर्ग लगे हुए शब्द बहुत प्रचलित हो गए हैं, जैसे अभी हमने बताया आगतम, अब हम बोलते हैं स्वागतम, एक सु इससे पूर्व लग जाता है, और आपने देखा होगा लोग उसमें और एक सु लगा देते हैं सुस्वागतम, आगतम ही शब्द है, वही अर्थ पर्याप्त है, आ गए, अब उसको कुछ और उन्होंने अच्छा करने का प्रयास किया, सु उपसर्ग लगाया, सु का अर्थ ही है उत्तम सुंदर अच्छा, तो कह दिया स्वागतम, आपका सुंदर आगमन हुआ। अब एक सु स्वागतम चूंकि प्रचलित हो गया तो वो उन्हें पता ही नहीं कि स्वागतम में सु पहले से है, तो उन्होंने एक और सु लगा दिया सुंदर अच्छा के अर्थ में, सुस्वागतम हो गए। तो लोक में उपसर्गों के सहित शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं कि उपसर्गों को हटा दें तो शब्द संभवतः लोगों को सहजता से समझ में ना आए, जब आप इतना विचार करेंगे तो समझ में आएगा हाँ शब्द तो वही है,
केवल जो उपसर्गों का आवरण था वो हट गया है, वही स्थिति यहाँ पर भी होती है चित्रम। अब चित्र समझ में नहीं आता वर्तमान में हम लोगों के वेद के अर्थ में, इसमें एक भी उपसर्ग लग जाता है तो विचित्र बन जाता है, और ये विचित्र शब्द हमारी समझ में आता है। इस समय लोक व्यवहार में बोलचाल में विचित्र शब्द प्रचलित है, तो वेद में जब ये चित्रम आता है तो ये विचित्र के अर्थ में होता है। इसको सहज भाव से जान लें, समझ लें, मान लें, यहाँ पर चित्र का अर्थ कोई उस तरह का चित्र वस्तु नहीं होता सामान्यता, क्योंकि पूरे मंत्र का अर्थ देखेंगे, पूरे सूक्त का अर्थ देखेंगे, पूरे अध्याय का अर्थ देखेंगे, वेद का मूल भाव देखेंगे, तो यहाँ पर चित्र का ऐसा कोई अर्थ नहीं होता जो वर्तमान में लोक व्यवहार में चित्र शब्द जिसके लिए उपयोग होता है, प्रयोग हो रहा है, वो अर्थ वेद में नहीं होता। ऐसे एक ही चित्र शब्द नहीं है, वेद में ऐसे आपको बहुत से शब्द मिलेंगे जो वर्तमान लोक व्यवहार में जाने किन किन अर्थों में प्रचलित है, उसका वेद के अर्थ से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। तो वेद को पढ़ते समय हमें इतना जागरूक तो रहना ही चाहिए कि जो वर्तमान लोक प्रचलित अर्थ है उसको वेद पर थोपने का प्रयास न करें। वेद को हम वैदिक भाषा के अनुसार, वैदिक धातुओं के अनुसार उसका अर्थ करने का प्रयास करें। ओम हम ब्रह्म मंत्र को लेकर किसी का कुछ प्रश्न मेरा हो तो रखे। देख लीजिए किसी का प्रश्न नहीं है तो जैसा आप समझें पाठ करना चाहें, समापन करना चाहें, किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा पाठ समापन जो आपकी इच्छा हो करें। गुरु जी एक सामान्य प्रश्न था आज का जो दिन है उसको लेकर, आज जैसे रक्षाबंधन है तो गुरु जी इसका वैदिक काल में क्या आधार रहा है, मतलब कई लोग कहते हैं श्रावणी पर्व के रूप में भी मनाते थे इसे, जिस दिन उपनयन संस्कार वगैरह होता था, तो इस पर कुछ कह दीजिए। देखिए ये तो सत्य है कि पर्व जो है सामान्यता ऋतुओं से संबद्ध रहे, जो मान लें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से कोई पर्व प्रारंभ हुआ हो, संभव है, जैसे हम महापुरुषों के जन्मदिन आदि मनाते हैं, राम का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मदिन, किसी महापुरुष का जन्मदिन मनाते हैं, तो वह तो स्पष्ट रूप से उस ऐतिहासिक घटना से संबद्ध है, ठीक है। अधिकांशतः पर्व हमारे ऋतुओं से संबद्ध रहे, उस ऋतु के अनुसार जो कृषि आदि कर्म थे उससे संबद्ध रहे हैं, तो मुख्य रूप से तो ये माने। श्रावणी पर्व वर्षा ऋतु का पर्व है और वर्षा ऋतु के भी प्रारंभिक समय का पर्व है, ये भी यहां पर संदर्भ बस जान ले। अब वर्षा ऋतु बीत चुकी है, अब श्रावणी पर्व रक्षाबंधन मनाने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये बात ही पूरी तरह अवैधिक है कि अब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं जब वर्षा ऋतु बीत चुकी है। कृष्ण जन्माष्टमी एक सप्ताह पश्चात मनाएंगे अष्टमी को, वर्षा ऋतु तो बीत चुकी, अब वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। वर्षा ऋतु के दो मास व्यतीत हो चुके, श्रावण और भाद्रपद समाप्त हो चुके मान लीजिए एक प्रकार से, तो रक्षाबंधन श्रावणी का पर्व श्रावण पूर्णिमा को वर्षा ऋतु में मनाया जाना चाहिए था, मैं कह रहा हूं मनाया जाना चाहिए था। कुछ जागरूक लोगों ने उसी समय रक्षाबंधन श्रावणी पर्व मनाया भी था, परंतु अधिक जागरूकता लोगों में नहीं है। अभी एक जो लीक बन गई है उचित नहीं है, लेकिन उसी पर अधिकांश लोग चल रहे हैं, तो इसीलिए ये और प्रश्न उठते हैं कि उसका औचित्य ही
नहीं समझ में आता है, जब ऋतु से अलग चला जाता है। तो श्रावणी पर्व वर्षा ऋतु के आरंभ का पर्व है, मतलब ऐसा नहीं कि वर्षा ऋतु दिन से प्रारंभ होती है, श्रावण पूर्णिमा का पर्व है, वर्षा ऋतु का एक पक्ष तो कम से कम व्यतीत हो चुका होता है, कम से कम। ग्रीष्म के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है तो कृषक अपने कृषि कार्य में लगते हैं, खेतों में अधिक उनका पूरा समय श्रम जाएगा। अब वर्षा ऋतु के प्रारंभिक समय में कृषि कार्य उन्होंने एक प्रकार से अपना कर लिया, जो बुआई रोपाई करनी थी वो कर ली, उस श्रम से वो निश्चिंत हुए। घनघोर वर्षा की ऋतु है, चारों ओर पानी भर जाता था, जल भराव वो इस समय की तरह के तो राजमार्ग नहीं होते थे, न ऐसे आवागमन के साधन होते थे, तो जो भी विद्वान सन्यासी जहां था वहां रुक गया, सेनाओं का भी अभियान रुक गया, जन सामान्य का व्यापार आदि का कारोबार यहां वहां आना जाना लोगों का थम गया, रुक गया। कृषि कार्य पूर्ण करके निवृत्त हुए, तब श्रावणी उपाकर्म का पर्व है, जिसे कहा जाता है वेद स्वाध्याय। कहीं आना जाना होगा नहीं, जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले तालाबंदी लॉकडाउन का समय देखा है, वो अप्राकृतिक रूप से सही शासनादेश के कारण ही सही लोगों का आना जाना नहीं हो सका, कुछ लोगों ने सदुपयोग किया, कोई कारण नहीं हो सकता तो घर में पड़े पड़े स्वाध्याय ही कर लिया जाए। तो वर्षा ऋतु में आवागमन की गतिविधियां रुक जाती थी, तो मुख्य कार्य यही होता था कि अब जो जहां है वहीं पर वेद का स्वाध्याय पाठ प्रवचन किया जाए। जो विद्वान सन्यासी जिस नगर ग्राम में पहुंच गया है वर्षा काल में वो वहीं रुकेगा, वहीं पर उसकी व्यवस्था बनाई जाएगी, उसका जो भी स्वाध्याय प्रवचन का लाभ लोगों को वहीं मिलेगा। एक सहज स्वाभाविक प्राकृतिक अवस्था के कारण विजय व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बनती चली गई, धीरे धीरे वो परंपरा बन गई। एक निश्चित त्योहार पर्व आयोजन अभियान मनाया जाने लगा, अच्छी बात। धीरे धीरे ऐसे व्यवस्थाएं बनती चली जाती हैं। तो ये वर्षा ऋतु का श्रावणी उपाकर्म का पर्व, स्वाध्याय का पर्व, क्योंकि अन्य गतिविधियां रुक जाती है तो वर्षा काल में ये पर्व होता है। और बाद में देखा अन्य मतांतरों में भी साधु संन्यासियों का, जैनियों में, बौद्धों में, तो अन्य मतों में वर्षावास कहा गया, चातुर्मास कहा गया, वर्षा काल के चातुर्मास चार महीने कह दिए गए। जब वर्षा काल चार मास का तो नहीं होता, दो मास का ही वर्षा ऋतु है। तो मुख्य बात यह है कि वर्षा ऋतु में जहां जो विद्वान सन्यासी है वहीं पर उसके प्रवचन की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था वैदिक काल में, वैदिक समाज में, वैदिक लोगों में थी, इसे जैनियों बौद्धों ने भी अपनाया, बाद में अन्य मतांतरों ने भी अपनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने वैदिकों से सीखा या नकल की या क्या किया, वो स्वाभाविक रूप से प्रकृति के कारण होता चला गया, एक परंपरा बनी हुई थी वो। ठीक है, उन्होंने वेद का स्वाध्याय करने के स्थान पर अपने मतों के ग्रंथों का, अपना जो भी उनकी अपनी मान्यताएं जानकारी थी उसी का प्रवचन किया, लेकिन ये व्यवस्था चलती रही, आज भी चल रही है। जैन आचार्यों के चातुर्मास से होते हैं, अन्य लोगों के होते हैं, हमने देखे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी अवसर मिला हो, ये कार्यक्रम चलते हैं, यही मुख्य कार्यक्रम है। अब रक्षाबंधन कह सकते हैं, अब आचार्य आए हैं तो एक रक्षा सूत्र उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप मान लीजिए लोगों ने उनको बांधा, उन्होंने लोगों को बांधा, तो एक सहज भाव से होता था। अभी भी आप देखते हैं कि प्रमुख लोगों के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को लोगों ने राखी बांधी, तुम्हारा भाई बहन जैसा कोई भाव नहीं। बात वही है कि एक दूसरे को एक स्नेह के बंधन में हम बांध रहे हैं और हम सब लोग मिल करके अपने धर्म संस्कृति की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था। एक ये भी था
कि आज के शब्दावली में उसका अलग अर्थ ले सकते हैं आप, तो कह सकते हैं कि जो आचार्य वर्ग था वो अपने जन सामान्य को ये रक्षा सूत्र बांधता था कि वो उनको एक आशीर्वाद स्वरूप आध्यात्मिक संरक्षण का संदेश देता था और उनके रक्षा पालन का दायित्व समाज उठाता था। प्रतीक धीरे धीरे उसमें रक्षा बंधन योग बनता चला गया। इसे ब्राह्मणों का पर्व कहा जाता है। जो आचार्य वर्ग है वो रक्षा बंधन कह सकते हैं, वो रक्षा सूत्र बांधता रहा, रक्षा सूत्र इस रूप में आता रहा है। अब ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में कह सकते हैं वो कितना सत्य है, पौराणिक मान्यता कि राजा बलि ने सर्वस्व दान किया, वहां एक रक्षा सूत्र बांधा गया, उसका एक स्मृति में हम पर्व मनाने लगे। वही बात है, कितना सत्य है कितना नहीं, एक तो राजा बलि की चर्चा आती है और दूसरा हुमायूं और कर्मवती की बात आती है, जो राखी पता नहीं बांधी गई कि नहीं, उसका क्या उपयोग प्रभाव हुआ कि नहीं, उस पर लोगों के अलग अलग मत हैं और वो विषय हमारा आज का है ही नहीं जो आपने कहा। तो विषय यही है कि हमारे पर्व मुख्य रूप से ऋतुओं से और कृषि कार्य से संबंधित रहे हैं, उसके अनुसार ये सब अनुष्ठान किए जाते रहे हैं और बाद में उसमें ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ती चली गई। जैसे दीपावली पर्व में अनेक लोगों के जन्म और मृत्यु की घटनाएं जुड़ती चली गई। संयोग कह लीजिए कि स्वामी दयानंद जी का भी निर्वाण तिथि उसी से जुड़ गई। तो दीपावली तो दयानंद जी के पहले से भी मनाई जाती रही है, वो कृषि पर्व ही है। अब हम लोग जो वैदिक अनुयायी हैं दयानंद जी का सम्मान करते हैं, तो दीपावली पर हम दयानंद जी का भी स्मरण करते हैं, करना चाहिए। तो ऐसे पर्वों से ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ती गई तो उस पर्व को एक व्यापक अर्थ और मिलता चला गया। ये बात रक्षा बंधन के लिए भी सत्य है और अन्य प्रमुख पर्वों के लिए भी सत्य है, इसे हमें इस रूप में समझना चाहिए। ओम खम ब्रह्म। जी गुरु जी, बहुत उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अन्य किसी साथी को कुछ कहना हो तो कहें। नमस्ते जी। नमस्ते कोमल जी ने अच्छा प्रश्न लिया है, इसमें मेरा एक आग्रह है कि आज रक्षाबंधन तो है ही, उस पर ऊपर से ये तुर्रा दिया गया है कि भाई भद्रा है तो इसलिए दिन में कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि भद्रा तो भद्र कल्याण करने के लिए होता है, उसको अगर धातुगत रूप में डालें तो भा भासना, प्रकाश करना, प्रकाशमान होना, और द्रा मतलब देना, दान करना, प्रदान करना। तो जो हमें प्रकाश प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, जीवन प्रदान करे, तो वो बुरा कैसे हो सकता है जिसके लिए पूरे दिन उन्होंने इसको निषिद्ध करके रखा हुआ उत्सव मनाने से। तो इस पर प्रकाश डालिए। देखिए भद्र का अर्थ ही कल्याण होता है ना, भद्राण पश्यंतु, इस प्रकार के अनेक आते हैं, यद भद्रम तन्ने आसु, जो भद्र है वो हमें दीजिए, हम तो प्रार्थना ये कर रहे हैं जो भद्र है वो हमें दीजिए। वहां निषेध कहा, वचना कहा, भद्रा है तो अच्छी बात है, इसे तो आप स्वर्ण में सुगंध सोने में सुहागा कहिए, रक्षा बंधन पर्व पर भद्रा है तो ये तो और अच्छी बात है, और अधिक उत्साह से पर्व को मनाया जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे भद्रा का अर्थ तो और भी अच्छा है और अधिक कल्याणकारी हो गया आपका पर्व, यदि भद्रा जैसा कुछ उसके साथ जुड़ गया है तो किसी भी व्यवस्था से, हम तो यही कह सकते हैं। तो वेद में तो भद्र शब्द अनेक बार आता है और भद्र का अर्थ कल्याणकारी ही होता है, तो भद्रा है अच्छी बात है और उत्साह के साथ मनाइए, हम लोग तो यही कह सकते हैं। तो इसे जिस तरह ज्योतिष से रोका जा रहा है कि भद्रा नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र, भद्रा नक्षत्र कहाँ है, हम लोग कहाँ है, उसका क्या असर होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें तो क्या बोलते हैं, ना प्रत्यक्ष है ना अप्रत्यक्ष है, उनको जबरन में बना करके पूरे समाज को जो उत्साह से रोक करके बोले रात्रि में करो, ये कुछ बात ऐसी लग रही जैसे मतलब किसी आदमी का जो है बोलने वाले का गला दबा दिया फिर बोले अब चिल्लाओ, ये तो ऐसा लग रहा है।
कि हाँ सनातन धर्म का पतन ऐसे पाखंडों के कारण ही हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमारे पास ऐसे ऐसे धर्माचार्य हों, धर्म का मार्गदर्शन करने वाले ऐसे ऐसे लोग हों, तो हमें शत्रुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यही हम कहते हैं, जो लोग कहते हैं विधर्मियों ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, कोई हानि पहुंचाई हो, तो हम सहमत नहीं है। हमें लगता है विधर्मी यदि कुछ हमारा हानि कर सके तो इन्हीं लोगों के कारण, इतने पाखंड फैला करके इन्हीं लोगों ने हमको भीतर से इतना दुर्बल कर दिया कि जो ही आया वो सफल होता चला गया। अन्यथा जब ये सब पाखंड नहीं थे तो विश्व विजय का स्वप्न लिए हुए सिकंदर भी द्वार से ही बाहर लौट गया था, प्रवेश नहीं कर पाया था। जब वैदिक व्यवस्था थी तब हम अजेय थे, और जब ये वैदिक व्यवस्था टूट गई, पाखंड फैलने लगे, तो जो ही आया वही हम पर शासन कर गया। तो हमें इन पाखंडों से बचने का प्रयास करना चाहिए। उसी के लिए हमारा आपका ये प्रयास है कि लोग वेद से जुड़े, वेद को जाने, इन पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होकर के सीधा सरल वैदिक जीवन जी सके, यही कह सकते हैं। ओम। हाँ आकाश बोलो। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हिंदू धर्म में अलग अलग लोग कैसे बंटवारा रहता है, और बाकी धर्मों में लोग एक रहते हैं और हमारा हिंदू धर्म एक मत नहीं हमको दिखाई देता है, इसका क्या कारण हमारे नहीं जानता। पहली बात तो हिंदू धर्म है ही नहीं, हिंदू पूरी तरह अधर्म है, पाखंड है। हिंदू धर्म कब किसने कहां से प्रारंभ कर दिया इसकी जानकारी अब तक हमें कोई दे नहीं सका। बहुत चर्चा करने के बाद भी जो भी हिंदू धर्म की बात है उससे पता करके हमको आप ये बता दीजिएगा, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपने आप को हिंदू कहा? वो तो बता देंगे कि हाँ पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम लाए, पहले मुसलमान थे, उन्होंने लोगों को मुसलमान बनाया, उसके बाद लोग मुसलमान बने। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए उससे बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाए। ये हिंदू कब से कहां से आ गया इसकी जानकारी अब तक मिली नहीं। ये अपने आप में एक विरोधाभास पाखंड है। तो जब तक ये हिंदू रहेगा ये ऐसे ही रहेगा। हिंदू के एक होने की तो कल्पना करना ही व्यर्थ है। जब तक हिंदू से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक आप एक हो ही नहीं सकते। यदि सनातन धर्म को एक होना है तो पहले आप हिंदू से छुटकारा पा लीजिए। हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, वेद हमारा मूल है, वेद को मानने वाले सभी वैदिक हैं। अन्य विषयों में मतभेद हो सकते हैं, इतनी बात माने, जो वेद को मानते हैं वो वैदिक हैं, वो सब एक हैं। वो अन्य छोटी मोटी बातों पर मतभेद होंगे जो बने रहेंगे। मुसलमानों में भी बहुत से मतभेद हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, और जाने क्या क्या। लेकिन सब इस बात पर है कि भाई कुरान हम सबका एक है, कुरान के नाम पर सब एक, बाइबल के नाम पर सब ईसाई एक है। तो ये हमको मानना जानना चाहिए कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारे धर्म संस्कृत का मूल आधार है। जब तक इस बात को हम नहीं मानेंगे तो एकता का कोई बिंदु कोई आधार हो ही नहीं सकता। हम सनातनी उसी को मानते हैं जो वेद को मानता है, वेद को अपनाता है, वो हमारा है, वो अपना है। और वेद को मानने वाले सब एक है। आप आज भी देख लीजिए कितने वैदिक है वेद को मानने वाले हैं। वेद को मानने के विषय में हम एक हैं, बाकी छोटे मोटे विषयों पर मतभेद हो सकते हैं। कोई त्रैतवाद को मानता होगा, कोई अद्वैत को मानता होगा, कोई द्वैत को मानता होगा, कोई पूजा के पक्ष या विपक्ष में कट्टर होगा, कोई उतना कट्टर नहीं होगा। किसी को लगता होगा रोज हवन करना आवश्यक है, किसी को लगता होगा कि भाई नहीं इतना ये सब हम लोग प्रतिदिन ये कर्मकांड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तो लेकिन वेद को यदि मानते हैं तो हम एक हैं, एकता का ही आधार है। और जब तक इसको नहीं अपनाएंगे तब तक हिंदू के नाम पर एकता की बात तो सोचना भी मुझे लगता है उचित नहीं है, ये कभी संभव भी नहीं होगा। ओम। गुरु जी एक बात और पूछेंगे, सनातन धर्म में जो है हम अपने को ही नहीं अपनाते हैं, अपनी ही बिरादरी को नहीं अपनाते सनातन धर्म में, और यही मुस्लिम समाज में जो है अपने को जो बहुत जल्दी वो कन्वर्ट कर लेते हैं, किसी को लाए, किसी के शादी कर ली और दो तीन कलमा सात कलमा पढ़ाए, उसके बाद में उसके घर की वो बहू हो गई। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो पाता है, हम किसी को लाए और उसके बाद में गौरी डालने, उसके बाद में पढ़ने, जो भी कोई मंत्रों के द्वारा
किसी को अपना बना ले, ये तो हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाता है। इस पर हम क्या सोचेंगे? देखिए, वैदिक समाज में ये बहुत संभव हुआ है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और एक व्यक्ति नहीं, समूह का समूह, समुदाय का समुदाय वैदिक धर्म में दीक्षित हुआ। मुसलमानों का बड़े 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 समुदाय पूरे के पूरे वैदिक धर्म में आ गए और इसीलिए उनकी हत्या एक मतांध मुस्लिम ने की। उसको लगा ये तो सब उलट देंगे और उसके बाद भी ये अभियान चलता रहा। भले ही अब उतना सशक्त नहीं है, श्रद्धानंद जी उनके बाद भी लोगों ने, बहुतों ने ये अभियान चलाया और सफल अभियान चला। अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि उतना सशक्त संगठन आर समाज नहीं रह गया है। आर समाज में भी राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा मतभेद आ गए हैं। कुछ लोग इस दल को मानते हैं, कुछ लोग उस दल को मानते हैं। तो अब यदि आर समाज अपना राजनीतिक दल भी बना ले तो सारे आर समाज के सारे वैदिक लोग अपने उस एक राजनीतिक दल के साथ रहें तो इस दल या उस दल की समस्या हल हो सकती है। तो ये सशक्त हो सकता है, ये कोई समस्या आ गई है। अन्यथा थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है आर समाज में, अभी भी लोग हवन करके, वेद मंत्र पढ़ करके, वेद को अपना करके, वो विवाह करें या वैसे ही वैदिक धर्म में आ जाते हैं, उनका स्वागत सम्मान होता है। हाँ, हिंदुओं में जातिवाद के कारण अपनाना कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग बचपन में इस धर्म में आए थे विवाह करके या किसी भी रूप में, वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चों को बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी लोग यही बताते रहते हैं कि ये तो पहले इस धर्म में थे। अरे रहे होंगे, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता है तो उसके बाद उससे बिल्कुल नहीं बात की जाती कि पहले किस धर्म को मानता था। ईसाई से मुसलमान बना है कि हिंदू से बना है कि जैन बौद्ध से बना है, वो इसकी चर्चा ही नहीं करते। जिस समय उसने कलमा पढ़ा उसके बाद वो केवल और केवल मुसलमान होता है, पिछली बातें वो बिल्कुल भूल जाते हैं। अगर हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी है, इसे सुदृढ़ करना है, तो हमें भी इस बात को अपनाना होगा। लोगों को हमें वेद मंत्र दीक्षा दे करके अपनाना होगा और उसके बाद हमें इसकी चर्चा नहीं करनी है। कुछ अन्य बातों पर मतभेद हो सकते हैं, फिर मैं कहूंगा अब वो सनातनी हो गया तो सनातनी हो गया, हमारे उसके राजनीतिक मतभेद हो तो बने रहे, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, हिंदू शब्द वास्तव में जो स्वामी जी ने कहा वो ठीक है, अपने किसी भी वैदिक ग्रंथ में नहीं। दूसरी बात, जो विदेशी आए अंग्रेजों से पहले, मुसलमान, पठान, इन लोगों का दिया हुआ शब्द है हिंदू, जिसका अर्थ होता है लुटेरा, चोर, बदमाश, इस तरह से। और इसी के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि हिंदू कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, हिंदुत्व जो है वो यहाँ की जीवन शैली है, लेकिन धर्म की जब बात आती है तो हम सब सनातनी है, जैसा स्वामी जी ने स्पष्ट किया। देख लीजिए, कोई और विशेष बात हो तो कर सकते हैं, नथा समापन किया जाए। आकाश पांडे जी ने कुछ कहा है, आप एक बार पुनः बोल दीजिए, सुन नहीं पाए। मैंने ये कहा कि स्वामी जी, हम सनातनी लोगों में बहुत भिन्नता है, क्या कैसे क्या सोचा जाए, क्या जो है लोगों को समझाया जाए कि सभी लोग एक एक पास बैठकर भोजन कर सके, एक पास लोग बैठ सके, एक अपने को एक ही समझ सके। ऐसी हमारे अंदर किसने ऐसी जो है कटुता, किसने ऐसी जो है भर दी है भ्रम कर दिया है, तो अपना भाई भाई नहीं बैठ पा रहा है, अपना कोई रिश्तेदार नहीं बैठ पा रहा, अपना कोई बिरादरी करना बैठ पा रहा, एक पास लोग बैठने के अपने को एक मानने को तैयार नहीं।
यहाँ पर बहुत आपको दिक्कत लग रही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये समस्या बहुत गंभीर है हमारे यहाँ। कैसे दयानंद जी के समय में तो समस्या कितनी गंभीर रही होगी आप कल्पना करें, उसके भी 50 वर्ष के पश्चात तालाब का पानी पीने के लिए आंदोलन करना पड़ा है। जब हमारे महापुरुषों को जिस तालाब में भैंस गधे पानी पी सकते हैं लेकिन मनुष्य के लिए वहां पानी पीना अपवित्र माना जाता था, ऐसे ऐसे पाखंड समाज में रहे हैं। इसी से हमारा समाज इतना निर्बल दुर्बल हुआ है कि जो विदेशी आए वो हमारे ऊपर शासन कर गए। अब तो स्थिति बहुत कुछ ठीक हो गई है। हम यही कह सकते हैं जो लोग वेद को अपना रहे हैं, वैदिक समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जो अवैदिक हैं, जो हिंदू हैं, हिंदुओं में भेदभाव है और तब तक रहेगा जब तक वे हिंदू रहेंगे। इन हिंदुओं को वैदिक बनाना पड़ेगा तभी ये समस्या हल होगी, क्योंकि हिंदू तो इस भेदभाव को बनाए रखने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए है कि समाज में ये जातिवाद, छुआछूत, पाखंड, आडंबर बना रहे। तो इसके लिए हिंदू लोग, कह लीजिए हिंदूवादी संगठन, धन बल, जन बल, शासन सत्ता का बल लगाए हुए हैं, वेद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। हमें इन कठिन परिस्थितियों में वेद का प्रचार प्रसार करना है और लोगों को बताना है कि वेद में कोई भेदभाव नहीं है, वेद सबके लिए है, वेद को अपनाने वाले सब एक समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। आप वेद को अपनाएं और लोगों तक वेद की बात पहुंचाएं, लोगों को वैदिक बनाएं, तभी यह समस्या हल हो सकती है। गुरु जी, क्या फिर वर्ण व्यवस्था जो है हम इसको बिल्कुल समाज से हटाने की बात कहें? वर्ण व्यवस्था कोई चीज है या नहीं है? देखिए वर्ण व्यवस्था जो है, पहले तो यह समझना पड़ेगा वर्ण शब्द का अर्थ है वर्ण करना। आप जिस कार्य व्यवसाय का वर्ण करते हैं वो आपका वर्ण है। आप अध्यापक हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप चिकित्सक हैं, ये सब आपका वर्ण है। जो कुछ वर्ण करते हैं आप वो आपका वर्ण होता है। जाति व्यवस्था अलग है जो जन्म से होती है। मनुष्य जाति है वो कभी नहीं बदलेगी। इसे कहते हैं कि बछड़े को कितना भी नहलाओ धुलाओ वो मनुष्य नहीं बनेगा, गधे को कितना भी नहलाओ धुलाओ वो बछड़ा नहीं बनेगा। तो ये बात ठीक है, ये जातियां जन्म से होती हैं और मनुष्य एक जाति है जिनमें कार्य व्यवसाय का वर्ण व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है और बाद में उसे लगे तो परिवर्तित भी कर सकता है। तो वेद में कहीं भी ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था ही कठिन है, जात की बात तो है ही नहीं दूर दूर तक। इसी स्वाध्याय के क्रम में हम लोगों ने यजुर्वेद का 30वां अध्याय पूरा पढ़ा है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में शताधिक 100 से अधिक ऐसे व्यवसायों का उल्लेख है जिसको लोगों ने अपनाया है। कहा गया है इन सब लोगों की समाज में आवश्यकता है, उपयोगिता है। नाचने गाने वाले, अन्य कार्य करने वाले, मतलब कह सकते हैं 100 से अधिक व्यवसाय जो संभव थे उस समय, कह लीजिए प्राचीन काल में, और उसमें कुछ व्यवसायों की आज आवश्यकता नहीं होगी, कुछ नए व्यवसाय जुड़ गए होंगे। तो वेद तो बिल्कुल खुला मंच आपको दे रहा है कि सैकड़ों प्रकार के व्यवसाय समाज में हैं, उन सबकी उपयोगिता है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया जाए, पूरे समाज को इन जातियों में बांट दिया जाए, ऐसी कोई बात 4 वेद में कहीं भी आई ही नहीं है। लोगों ने वेद को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। वो प्रयास करते हैं कि लोग वेद को पढ़ने भी ना पाए। हम वेद की बात करना चाहेंगे, हमारे पास साधन कम है, हमारे आसपास वो अपने किसी पाखंडी कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे, सारा लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा। हम साधारण से बोलते रहेंगे, कोई हमारी बात सुन ही नहीं पाएगा। हमारे आसपास वो बड़े बड़े पांडाल लगा करके, बड़े बड़े यंत्र लगा करके बोलने लगेंगे अपने पाखंड की बातें, हमारी बात कौन सुनेगा। तो ये प्रयास कर रहे हैं कि वेद की बात लोग न जानने सुनने पाए, जिससे उनका ये जातिवादी छुआछूत आडंबर पाखंड चलता रहे। उनके हाथ में सत्ता है, उनके पास धन है, इसीलिए उनके पास जनशक्ति भी है। लेकिन हमें
साहस नहीं छोड़ना है, आप लगे रहें। दयानंद जी ने उन कठिन परिस्थितियों में कार्य किया, अब स्थितियां उसकी तुलना में तो फिर भी बहुत ठीक है, हम प्रयास करते रहें, ईश्वर की कृपा से एक दिन स्थितियां ठीक हो जाएंगी, सफलता मिलेगी, विश्वास रखें, प्रयास करते रहें, हम यही कहेंगे। ओम जी स्वामी जी। छुआछूत जो है, छुआछूत कोरोना की बीमारी जैसे गुरु जी आई तो छुआछूत तो उसमें भी दूर की, सबसे दूर रहो तो छुआछूत कोई एक मतलब इसके बीच में समाज में कभी कुछ रहा होगा तभी ये रखा गया होगा, तो उस पर तो ज्यादा हमको नहीं कहना चाहिए, कोई गंदा रहता है तो उसको छुआ हमको नहीं कहना, हमारा भाई भी अगर कोई मांसाहारी है या गंदा रहता है तो उसका हमको छुआ नहीं कहना चाहिए, इसमें तो हमको लगता है मुझे परहेज नहीं करना चाहिए, अगर कोई उस लायक है तो उससे हमको दूर ही रहना पड़ेगा, अगर वो साफ सुथरा नहीं है तो उसको अपने पास बैठा के कैसे खिलाते हैं। और कोरोना काल ये सिद्ध भी कर गया कि जो दूर रही है ये तो खैर सहज स्वाभाविक बात है, हमें सभी लोग होते हैं कि इस समय ऐसा होता है तो फिर वो हो जाता है। देखिए ये भी इस बात ठीक है, इन्होंने कहा कि दैनिक कक्षा में हम लोग उस वेद मंत्र की ही चर्चा करते हैं, उस तरह की चर्चाओं के लिए रविवार का विशेष सत्र रहता है, तो आप रविवार को प्रातः 11 बजे के सत्र में जुड़े और इस पर चर्चा करें और अब इस पर समापन किया जाए। समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सौ असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। गुरुजी नमस्ते। सभी साथियों को नमस्ते। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ॐ खं ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। कल सायंकाल 7:30 बजे से वेद कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। ओम ओम नमस्ते। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। ओम खं। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि।